अस्सलाम वालेकुम जनाब, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जिस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ, साथ में हमारे टीम मेंबर भी मौजूद हैं। आपकी कोई भी क्यूरी, कोई भी चीज जो साथ साथ आपको हो, आप टाइप करके पूछें तो साथ साथ वो आपको रिप्लाई कर रहे होंगे। मेरी भी बिल्कुल साथ एक स्क्रीन खुली हुई है, मैं साथ साथ आपके कमेंट्स, आपके सवाल भी देख रहा हूँगा। लेकिन सेशन के एंड पे बकायदा प्रॉपर क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, तो हो सके तो अगर आप उस टाइम पे सवाल पूछेंगे तो मैं आपके सारे सवाल पढ़ के उसको आंसर कर रहा। तो इसको थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं। तो मुझे अंदाजा है कि आपका टाइम बड़ा कीमती है, आप लोग पेपर देके फारिग हुए हुए हैं और इस वक्त आपने बहुत सारे सीजन देखने हैं, इस वक्त आपने बहुत सारे टाइम काम करने हैं, बहुत सारे ड्रामे जो आप नहीं देख सके पिछले दिनों वो देखने हैं, बहुत सारे क्रिकेट मैच खेलने हैं। तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन स्टिल चूंकि एक ऐसी चीज है जिसमें कंफ्यूजन है, एम्बिग्विटीज है, तो मकसद ये था कि मैं एक दफा आपके सामने इसकी क्लियर पिक्चर रखूँ। क्योंकि होता ही है कि इस तरह की चीज जब आती है तो एक बेतहाशा कंफ्यूजन बढ़ जाती है। और लास्ट टाइम इसी तरह से जब एजुकेशन स्कीम आई थी तो हमने एक सेशन किया था ताकि हम लोगों को सही से गाइड कर सकें कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, उसमें क्या चीजें कन्फर्म हो चुकी हैं, क्या चीजें कन्फर्म नहीं हुई हैं, तो वो सारा कुछ आपको गाइड किया जा सके। एजुकेशन स्कीम 2025, इसकी टैगलाइन है शेपिंग फ्यूचर बिजनेस एंड फाइनेंस लीडर्स। बड़ी अच्छी टैगलाइन है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि नई स्कीम ने ऐसा क्या किया है जिससे ये सारा कुछ हो सकेगा, लेकिन बहरहाल बड़ा अच्छा टैगलाइन है। इसे फ्यूचरिस्टिक सी फीलिंग आती है, एक ऐसी न्यू स्कीम है जो आपको जिद्दत के तकाजों से हम आहंग करने की कोशिश करेगी, जिसमें टोटल उन्होंने एक नया पेपर थ्योरी का ऐड करके ये साबित किया है कि वो आपको जदीद तकाजों से लेके चलेंगे। ये फाइनल में एक पेपर और कैफ में एक पेपर, कोई बहुत मैसिव चेंज नहीं है। मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। ये जो इन्होंने बताया है कि स्कीम का जब डॉक्यूमेंट आया है तो उन्होंने कहा जी काउंसिल ने फॉर्मली इसको अप्रूव कर दिया, इसके स्ट्रक्चर को अपनी फलाना मीटिंग में, जो कि जुलाई 19-20-2024 को हुई है। अब उस दिन जो मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में उन्होंने चीजें सामने रखी हैं और अपने तौर पे इसका मोटा मोटा स्ट्रक्चर फाइनल किया है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये एक ड्राफ्ट है, ये फाइनल डॉक्यूमेंट नहीं है। और इस टाइम पे वो आपको बताना चाह रहे हैं कि हमने एक वर्किंग की है, और इस ड्राफ्ट को शेयर करने का बेसिक मकसद ये है कि वो मुख्तलिफ लोगों से फीडबैक ले सकें कि हाँ भाई अब इसको कैसे लेके चलना है, क्या पैटर्न होगा, क्या तरीका कार होगा उसके मुताबिक। तो ये अगर इससे पीछे की मैं स्कीम्स के आपको हिस्ट्री बताने की कोशिश करूं, होता ही है कि जैसे ही नई स्कीम की अनाउंसमेंट होती है लोगों को लगता है कि बस ये आ गई है, सर पे है, बस फौरन से इंप्लीमेंट हो जाएगी। जो 2013 की एजुकेशन स्कीम थी वो कैफ लेवल पे 2014 ऑटम में जाके पहली दफा इंप्लीमेंट हुई थी। ऑटम 14 के पेपर उस नई स्कीम के तहत हुए थे जिस स्कीम का नाम था 2013। और सीफेप पे वो 2016 विंटर में अप्लाई हुई थी। आईकैप ने एक टाइम दिया था कि जिन लोगों के अभी आर्टिकल शुरू हुए हुए हैं वो पुरानी स्कीम पे, और फलाना साल बाद जो डेट आएगी उस डेट के बाद से जिसके आर्टिकल रजिस्टर होंगे वो नई वाली स्कीम के तहत होंगे, जब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आ गया था तब। जब तक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं आया होता तो कंफ्यूजन होती है कि मेरे पे अभी अप्लीकेबल हो रही है नहीं हो रही, मैं इसमें फॉलो करता हूँ नहीं करता। तो ये जहन में रखना है कि अभी ये सारे फेजेस आने हैं, ये वेरी अर्ली अनाउंसमेंट है। जो 2021 की स्कीम थी वो जुलाई 2021 में आईकैप ने उसका एक ड्राफ्ट शेयर किया था, और ड्राफ्ट के मुताबिक कहा था कि हम प्लान कर रहे हैं कि आने वाले अटेम्प्ट में इसके ऊपर काम करें। उस वक्त डाउट था, फिर उन्होंने क्या किया, अक्टूबर 2021 में उसकी बुक्स वगैरह अनाउंस कर दी और कह दिया कि हमारी ख्वाहिश है कि हम इसके मुताबिक लें, लेकिन लेकिन सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट अप्रूवल। प्रॉब्लम यह है कि आईकेप चूंकि एक गवर्नमेंट से कनेक्टेड इदारा है और गवर्नमेंट की अथॉरिटीज में से एक सेटअप है, तो आईकेप वाले जो भी डिसीजन लेते हैं जब ये अपनी मेजर चेंज लेके आते हैं अपने बायलॉज में तो दे रिक्वायर गवर्नमेंट अप्रूवल। और आपको पता है कि गवर्नमेंट इस टाइम पे किन चीजों में मसरूफ है, आपस में लड़ाइयां झगड़े ये। तो 2021 में भी इन्होंने जुलाई में ये स्कीम जो है अपनी तरफ से ड्राफ्ट बना के और इसको आगे अप्रूवल के लिए भेज दिया था, लेकिन सरप्राइजिंगली जैन फेब में जाके 2022 में जाके गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव किया था। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट ने अप्रूव किया, क्योंकि ये पहले से बता चुके थे कि हमारा गवर्नमेंट का अप्रूवल प्रोसेस में है, तो इन्होंने मार्च से ऑनवर्ड उसको नई स्कीम में ले गए थे। मार्च से ऑनवर्ड उसको नई स्कीम में प्रॉपर तरीके से लेके चले गए थे। तो इस वक्त यूं समझें कि आज ये वाला फेज हुआ है, जब उन्होंने जुलाई 2021 में स्कीम का बेसिक दिया, फिर उसके बाद कमेंट्स लिए, फिर अक्टूबर में उसका एक फाइन ट्यून वर्जन अनाउंस किया, और उसके बाद जाके जो जनवरी फरवरी में जाके अप्रूवल मिली और उसके बाद वो इस पोजीशन में आए। तो एक बात आज दिन में रखनी है कि अगर आज
एक ड्राफ्ट 5 महीने इनकी प्रोसेसिंग और इन सारी चीजों में गुजर रहे होंगे, और ये लोग भी तकरीबन इसी तरह से सोच रहे हैं कि हम लिंगर ऑन करके वो करें, फिर उस सिलेबस पे काम कर रहे हैं, किताबों काम कर रहे हैं, लेकिन काम बड़ा तेजी से जा रही है। तो ये हिस्ट्री ये है कि जो स्कीम 2021 की थी वो 2022 के मार्च में पहला इम्तिहान हुआ थी, उसका 2014 के ऑटम में इम्तिहान हुआ। तो अब जो 25 की है, अगर ये से फास्ट कर रहे हैं तो चीजें बेहतर तरीके से चलेंगी। ठीक है, तो बस अब आपने जहन में ये रखना है कि जो 2025 वाली स्कीम है, इस वक्त आपने इस पे नहीं टेंशन लेनी, क्योंकि अभी ये फॉरन से इंप्लीमेंट नहीं हो रही, अभी इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। और 1-2 महीने भी अगर इन लग गए और ये सेशन के बीच में पहुंच गए, तो ये इनके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि ये अचानक से अनाउंस कर दें कि लो भाई आप लोग सारे नई स्कीम पे शिफ्ट हो जाए। और जो प्रीवियस डिस्कशन भी इनके साथ रही है, तो इनकी तरफ से जो ख्वाहिश नजर आई है वो ये है कि जून से ऑनवर्ड जो जो कुछ भी हो रहा हो, पीआरसी हो, सीए फाइनल हो, कैफ हो, वो सब का सब नई स्कीम के मुताबिक हो। तो इस टाइम पे जो आने वाली अटेम्प्ट है उसमें हम काफी सेफ हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि नई स्कीम में क्या चेंजेस प्रपोज हैं, ताकि हम उसके हिसाब से अपनी थोड़ी सी प्लानिंग कर सकें। ये दो और चीजें जो मैंने इसी स्कीम के डॉक्यूमेंट में से आपके लिए एक्सट्रैक्ट की है, जिसमें वो आपको हिंट देना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं ये सेलियंट फीचर एजुकेशन स्कीम 2025 के, इसमें फ्लो गाइडलाइन सारी चीजें वो की जा रही है। द डेलिब्रेशन ऑन डिटेल्ड करिकुलम और ट्रांजिशनल प्रोविजन आर ऑन गोइंग एंड विल बी शेयर्ड वंस फाइनलाइज्ड। उन्होंने कहा भाई अभी हमने आपको सिर्फ एक आइडिया दिया है कि नई स्कीम में क्या होगा, अभी इसमें कन्वर्जन कैसे होगी, पुराने इस तरफ जाएंगे कैसे, उसके सिलेबस क्या होंगे, उसमें चीजें टेस्ट कैसे होंगी, इसके ऊपर अभी हम काम कर रहे हैं और जब हो जाएगा तब आपको बता देंगे। इसका मतलब है कि इस वक्त एक उन्होंने टीजर दिया है, एक ट्रेलर दिया है कि नई स्कीम हम आपके सामने लाने वाले हैं और उसमें ये प्रपोज चेंजेस हैं। इसका मतलब ये है कि ये ड्राफ्ट है, और ड्राफ्ट का मतलब ये है कि ये ड्राफ्ट जो है जब फाइनल होगा तो उसमें शायद इस वक्त जो आपके सामने नजर आ रहा है उससे शायद 25-30% चेंजेस डिफरेंट हो सकता है। आज वो कह रहे हैं कि नया पेपर हम ग्रुप ए में डाला है, जब फाइनल वर्जन आपके सामने आया तो हो सकता है वो ग्रुप बी में हो। हमारी जब आईकेप में डिस्कशन हुई तो ये वाला पेपर हमें ग्रुप बी में नजर आ रहा था। तो होता ये है कि ये चीजें अभी उन्होंने अनाउंस की हैं सिर्फ ये बताने के लिए कि यस वी हैव वर्कआउट ऑन अ स्कीम, और अब हम इस पे फीडबैक ले रहे हैं। वो टीचर से फीडबैक ले रहे हैं, वो कॉलेज से फीडबैक ले रहे हैं, वो आवाम से फीडबैक ले रहे हैं, वो मेंबर से फीडबैक ले रहे हैं। तो अगर आप गौर से देखें तो उन्होंने कहा इस कम्युनिकेशन का मकसद क्या है, स्टेक होल्डर्स को इन्फॉर्म कर दें और इनवाइट करें कमेंट्स और फीडबैक। उसके साथ उन्होंने कह दिया है कि जो अमेंडेड बायलॉज का एक्सपोजर और डायरेक्टिव है वो बनाए जाएंगे इस ड्यू कोर्स में फर्दर कमेंट्स के लिए। और फिर दोबारा से एक और जगह उन्होंने नोट दिया कि भाई ये सिर्फ कमेंट्स लेने के लिए हम बना रहे हैं, आपने जहन में रखना है कि डॉक्यूमेंट प्रोविजनल है और ये अमेंड हो सकता है बायलॉज में, और इसमें फेडरल गवर्नमेंट से हमें अप्रूवल की जरूरत है, और फेडरल गवर्नमेंट इज नॉट एनी इजी गेम। आपको पता है लॉ अमेंड करने के लिए ये लोग इकट्ठे हो नहीं पा रहे होते, तो आईकैप जो कि गवर्नमेंट की प्रेफरेंस में शायद बहुत नीचे करके आता है, तो उसके एक बायलॉ के लिए ये अलग से तो इकट्ठे होने नहीं वाले। तो किसी और मीटिंग में आईकैप वाले बायलॉ सामने आएंगे, अगर उन सेठ लोगों के पास टाइम हुआ तो उसको अप्रूव कर देंगे। तो ये कहानी 3-4 महीने की कम से कम ये सारे प्रोसेस में लगती नजर आ रही है। तो आपने आने वाली अटेम्प्ट में बिल्कुल जहन सेफ रखना है, अनलेस एंड अंटिल आईकैप कोई एक्सप्रेसली अनाउंसमेंट ना करे, अगर अगले 2 महीने तक उनकी तरफ से कुछ वो नहीं होता तो मेरा नहीं ख्याल कि सेशन के मिड में आके वो कह देंगे जी हम अचानक से इसको अनाउंस करने लगे हैं, क्योंकि उन्होंने भी सेफ मार्जिन रखने हैं, उन्होंने किताबें डेवलप करनी है, करिकुलम सेट करने हैं, अनाउंसमेंट्स करनी है, फाइनल वर्जन बनाना है और अपने कुछ और पैटर्न देखने हैं कि पुराने बच्चों को शिफ्ट कैसे करें, ये क्या वो क्या। तो बस आने वाली अटेम्प्ट में आपने इसमें फियर नहीं करना है कि नई स्कीम आपको क्या करेगी। हाँ, उससे अगली अटेम्प्ट में अगर नई स्कीम आ रही है और आपको उसके पेपर कम्बिनेशन पता है तो शायद आज आप बैठ के एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं कि मुझे अपकमिंग अटेम्प्ट में क्या करना चाहिए। एक भाई ने कहा सर आप सारे टीचर रिक्वेस्ट करें कि ये स्कीम 2026 में इम्प्लीमेंट करें। भाई असल में बात ये है कि आईकेप की काउंसिल है और वो काउंसिल का टेन्योर 2025 में खत्म हो जाएगा, और उस काउंसिल वालों ने इसके ऊपर अगर काम किया है तो ऑब्वियसली वो ये चाहेंगे कि जब इस पे काम कर चुके हुए हैं तो इसके ऊपर जो जितनी भी वर्किंग है वो सारा कुछ है वो उसको इम्प्लीमेंट करके जाएं, क्योंकि नए लोग आएंगे नए तरीके से सोचेंगे तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये पिछले 1 साल से इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, तो अब जाके थोड़ा सा ड्राफ्ट सामने आया और अभी भी आते आते इसमें समझे 6-8-7 महीने लग जाने हैं।
सर पेपर कम्बिनेशन क्या है जी? अब अगर आप मुझे मौका दें तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको शुरू से लेके एंड तक आगे बताऊं। पहले सेलियंट फीचर्स हैं स्कीम के, फिर मैं आपको एरिया बाय एरिया बताऊं पीआरसी में क्या चेंज आया, कैप में क्या चेंज आया, सीफेप में क्या चेंज आया, और फिर हम सवालों की तरफ पहुंचेंगे। उन्होंने डिस्टिंक्टिव फीचर दिए हैं, यूं समझिए ये एक समरी है, ये एग्जेक्टिव समरी है स्कीम में क्या चेंजेस आई हैं उसकी। तो मैं इस डॉक्यूमेंट पे ज्यादा डिबेट नहीं करूंगा, हम यूनिट लेवल पे जाके बात करेंगे, लेकिन मैं छोटे छोटे से की फीचर बता दूं। वो कहते हैं हम पेपर 21 से कम करके 18 तक ले गए हैं टोटल पेपर्स, और उसमें कमाल एहसान ये किया कि 5 पीआरसी में से 2 माइनस कर दिए, तो जिससे फीलर ही आया 2 वहां से खत्म कर दिए और 1 थ्रू आउट आगे के पूरे सेशन से खत्म किया। तो कहना चाह रहे हैं अब हम कम पेपर लेके आपको जल्दी से क्वालिफाई कर देंगे। दूसरा वो कह रहे हैं कि जो हमारा बिजनेस राइटिंग और कम्प्रिहेंशन स्किल का पेपर था, ये वाली स्किल अब हम आपको ज्यादा मजेदार तरीके से सिखाएंगे। कैसे? कहीं को बहुत ज्यादा गाइडेंस नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा जी हमारा एक ज्यादा मजेदार मैकेनिज्म आएगा, तो आप स्टे ट्यून, हमारा चैनल देखते रहिएगा, सब्सक्राइब रखिएगा, हम फिर आपको बताएंगे कि वो क्या है। फिर तीसरा उन्होंने कहा कि एक नया पेपर लेके आए हैं हम, डेटा सिस्टम्स एंड रिस्क, ये इस नई स्कीम में आया है जिससे लोग आज की जिद्दत के तकाजों से हम आंग होने की कोशिश करें और अकाउंटेंट को आईटी का भी पता हो। तो ये पेपर क्या है अभी इसके ऊपर भी आगे चल के बात करेंगे, अभी मोटे मोटे फीचर। फिर एक फीचर की कमती लो और हमने बिजनेस लॉ को मर्ज कर दिया, अभी मजेदार बड़ा पेपर हो जाएगा ताकि लोग एक ही पेपर में सारे लॉ समझ लें। ये छोटी छोटी सी बातें हैं। जो मजेदार न्यूज है वो ये है कि कैफ एग्जामिनेशन की जो फ्रीक्वेंसी है, वो कह रहे हैं हम सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि इंक्रीज कर दें फ्यूचर, यानी आज की डेट में 6 महीने बाद इम्तिहान होता है, साल में दो दफा इम्तिहान होता है। वो कहते हैं हम ख्वाहिश कर रहे हैं कि हम साल में इम्तिहान बढ़ा दें। अब थोड़ी चैलेंजिंग चीज भी और थोड़ी मजेदार चीज भी है। अगर फर्ज करें वो 4-4 महीने बाद इम्तिहान लेते हैं, तो एक बच्चा साल में 3 दफा अटेम्प्ट दे सकता है, तो ऐसे में क्या होगा कि लोग मुनासिब पेपर उठा के 4-4 महीने में अटेम्प्ट दे के आगे निकल जाया करेंगे। अगर वो और जज्बाती हो गए एसीसीए की तरह, जो हर 3 महीने बाद इम्तिहान लेता है, जो कि थोड़ा कैफ के लिए मुझे मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर उन्हें ऐसा कर लिया तो जाहिर है आपकी स्ट्रेटेजी दूसरी तरह से रिवाइज हो जाएगी। अभी तक स्कीम में उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने बढ़ा दिए हैं, या स्कीम के अंदर लिखा भी नहीं है, वो कह रहे हैं हम सोच रहे हैं। तो ये सोच को इम्प्लीमेंट होते होते शायद अगले 2 साल लग जाएं, तो फिलहाल ये वाला पॉइंट अभी सोच में है। ये की पॉइंट्स हैं, इन सब की डिस्कशन आगे आगे करके है। इसी तरह से उन्होंने कहा कि हैंड्स ऑन कोर्स जो पीपी और एमएस ऑफिस के हैं, उनमें हम थर्ड पार्टी इन्वॉल्व करेंगे और वो आके असेस करेंगे कि बच्चे ने ये सही से तैयार किया या नहीं किया, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सीफेप पे वो कह रहे हैं हम एक नया पेपर सस्टेनेबिलिटी लेके आएंगे, अकाउंटेंट्स के लिए दुनिया में सब बढ़ता हुआ कंसर्न है, इकोनॉमिक एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम, इन सबका एक कम्प्रीहेंसिव फ्रेमवर्क होता है, वो उस फ्रेमवर्क को लेके आना चाहते हैं। कुछ अर्से पहले ये इसको कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर टच करते थे एक पूरी रिपोर्ट के तौर पर, कि ये सस्टेनेबिलिटी को हम किस तरह से चेक करें। अब वो उसके ऊपर दोबारा सीरियस हो गए और सीए फाइनल लेवल पे काम करेंगे। एमएसए 1 और 2 इसको उन्होंने खत्म कर दिया और दोनों की जगह एक कंप्रिहेंसिव केस स्टडी पेपर आ गया है, जो पहले एसपीएम एक पेपर होता था बिजनेस का, अब उसको एडवांस लेवल पे फाइनेंशियल एनालिसिस के साथ वो टच करेंगे। ये इस वक्त बिल्कुल की फीचर्स हैं, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, हमने आगे इसको देखना है। एग्जेम्पशंस वो कहते हैं हमने ग्रेजुएट और मुख्तलिफ और लोगों के लिए एंट्री रूट्स वगैरह के लिए कर दी है। मैं डॉक्यूमेंट में 2 चीजें आपको नहीं बता रहा हूँ, डिफरेंट एंट्री रूट्स और उनको कितना टाइम लगेगा, और इसी तरह से मुख्तलिफ अलग अलग बॉडीज, फलाना बैचलर को क्या एग्जेम्पशन है, फलाना एसीसी वाले को क्या एग्जेम्पशन है, आईसीएमए वाले को क्या एग्जेम्पशन है। मैं एग्जेम्पशंस पे बात नहीं कर रहा, क्योंकि मेरी एग्जेम्पशन ये है कि मेरे सामने इस वक्त जो स्टूडेंट्स बैठे हैं वो पीआरसी केएफ और सीफेप के हैं, ताकि एक थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हमने किस तरह की बात करनी है। फिर डेटा एनालिटिक्स और फिनटेक का फाइनल में कोर्स होता था, बड़े अरसे साई की अब समझ नहीं पा रहा था कि इसको कैसे असेस करें क्या करें, उन्होंने उसको सिरे से खत्म करके उसकी जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स का कोर्स दे दिया है, और ये कोर्स देने वाला बंदा एडवांस ऑडिट का पेपर दे सकेगा, ये एक उन्होंने प्री रिक्विजिट इसमें डाल दिया है। देन ये जो 3.5 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम था, इसकी जगह वो अलग अलग तरह के प्रोग्राम ले गए, उन्होंने एक 3.5 साल का पैटर्न है, एक 2.5 साल का पैटर्न है, एक 3 साल का पैटर्न है, और मिक्सिंग कर दी। जब मैं सीफेप वाली साइड पे जाऊंगा तो ये सुन के आपको मजा आएगा, आईके अपने उसमें बड़ी मजेदार सी ऑप्शंस देनी शुरू करते हैं। पोस्ट क्वालिफिकेशन स्पेशलाइजेशन होने का हम लेके आए हैं, जो क्वालिफाई कर चुके हैं मेरे जैसे लोग, जो कहते हैं अच्छा मैं क्वालिफाई हूं, मेरे नाम के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट लिखा है। अब मुझे अगर फर्ज करें किसी जदीद पेपर में स्पेशलाइज करना है, आज की आईटी वाले मामले में करना है, तो आईकेएफ मेरे जैसे लोगों के लिए कुछ नई स्पेशलाइजेशन लेके आएगा कि हम अपने आप को अपग्रेड करना चाहें, हम आज बैठ के कोई नई क्वालिफिकेशन ऐड करना चाहें, तो पोस्ट क्वालिफिकेशन भी हम चीजें ऐड कर सकते हैं। शायद ये आज की डेट में आपके लिए बहुत ज्यादा काम की खबर नहीं है, ये छोटी सी एक एग्जेक्टिव समरी है। अब डिटेल से चलते हैं, लेवल बाय लेवल चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पीआरसी की।
सामने स्क्रीन पे आपको एक सवाल नजर आ रहा होगा, सिर्फ जानना ये है, समझना ये है कि इस टाइम पे हमारे सामने जो ऑडियंस है वो कौन से लेवल की ज्यादा है, ताकि मुझे भी अंदाजा हो और मैं उस वाले लेवल पे थोड़ा जरा ज्यादा डिस्कशन करूं और बाकी लेवल्स पे जरा थोड़ा सा हाथ हल्का रखा जाए। आप लोग सामने दी गई ऑप्शन पे क्लिक करें तो थोड़ी देर बाद मेरे पास रिजल्ट कंपाइल होना शुरू हो जाएंगे। 41% लोगों ने वोट किया है। सारे लोग स्क्रीन पे क्लिक करें, मोबाइल से लैपटॉप पे हैं तो माउस से जाके क्लिक करें, आप रेलेवेंट खाना टिक कर दें, जिससे मुझे अंदाजा हो जाएगा कि हमारे पास जो इस वक्त ऑडियंस है वो कौन से जोन की जरा ज्यादा है। तो मैं उन लोगों के लिए जो इन्फॉर्मेशन ज्यादा, 65% वोट आ चुके हुए हैं। कोशिश करें वोट तो दे दें दोस्तों, आप वोट ही नहीं देते फिर उसके बाद जो है ना वो आप फिर अब तहरीकें चलाते रहते हैं, रिहा करो हमारे लीडर को, वोट तो दें भाई, पावर तो आप दें पहले अपने लीडर को। ये 76% दोस्तों, यू कैन डू दिस, मुझे आप पे भरोसा है, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन मुझे फिर भी रीजनेबल भरोसा है। 4% लोग इस वक्त हम जो ऑडियंस है उसमें से पीआरसी दे रहे हैं, 72% कैफ में है, 17% ने कैफ के आखिरी पेपर दिए हैं और 8% सीफेप में। इसका मतलब है कि मेरी तवज्जो ज्यादा कैफ वालों पे, और जो कैफ से सीफेप की ट्रांजिशन कर रहे हैं उनके ऊपर, तो वो 17 और 8 25% वहां कवर हो जाएंगे और बाकी कैफ वाले। तो पीआरसी इसका मतलब है कि इस टाइम पे नहीं, और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि पीआरसी के लोग इस टाइम पे सोचें, चूंकि जब तक नई स्कीम नहीं आने वो पीआरसी से तो आगे जा ही चुके होंगे। ठीक हो गया, कहानी वापस रिस्टोर करते हैं। अजय जी पीआरसी पे चलते हैं, थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। पीआरसी उन्होंने कहा जी ये जनरल और प्रोफेशनल नॉलेज के फंडामेंटल को टेस्ट करेगा, बड़ा अच्छा जुमला था, आगे चलते हैं। पीआरसी में अब 3 पेपर रह गए, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, क्यूएम और इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स। मैं बता दूं पहले 5 पेपर हुआ करते थे, एक इंट्रोडक्शन टू बिजनेस था और एक इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स था, वो दो मर्ज करके एक पेपर बना दिए इन्होंने। अभी इसका सिलेबस वगैरह ड्यू टाइम में आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। और एक राइटिंग का पेपर होता था जिसके लिए ये फिर से आपसे वादा कर रहे हैं कि बिजनेस राइटिंग और कम्प्रिहेंशन के लिए हम एक ज्यादा इफेक्टिव मैकेनिज्म लेके आएंगे, तो बस जब हम लेके आएंगे तो देखना हम आग लगा देंगे, तो वो जब लाएंगे तब देखा जाएगा। आज की खबर ये है कि 5 पेपरों में से राइटिंग वाला पेपर गायब हो चुका हुआ है, इकोनॉमिक्स और बिजनेस मर्ज होके एक पेपर बन गया है। तो ये 3 पेपर पीआरसी में है जो ये मानते हैं कि बच्चे 2 महीने में खत्म करके और आगे आ जाएंगे। ये सेल्फ स्टडी है, वो कह रहे हैं आप चाहें तो क्लासेस ले लें आरईटी से, चाहें तो सेल्फ स्टडी कर लें। भाई जान हमसे इतने अच्छे खासे पैसे ले लेते हैं सालाना बेसिस पे, और बच्चों से कह देते हैं आपकी मर्जी है, चाहो तो क्लासें लो चाहो तो ना लो, तो ये जो है ना बड़ा जुल्म है, हम इसके खिलाफ एहतजाज उठाएंगे बाद में, फिलहाल आगे चलते हैं। बाय मंथली बेसिस पे एग्जाम होंगे, पहले भी ऐसे ही हो रहा था, अभी भी ऐसे ही हो रहा है। टाइम लिमिट, वो कहते हैं कि जब आप जिस दिन पहली अटेम्प्ट देंगे उसके 15 महीने के अंदर अंदर आपने अपने ये तीनों पेपर पास करने, तो ये उन्होंने टाइम लिमिट दी है। अभी इसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि 2-2 महीने बाद इम्तिहान हो रहे हैं, तो फिर ये 15 महीने बाद वो आखिरी अटेम्प्ट काउंट होगी नहीं होगी, ये एक डिबेट है, लेकिन अभी ये शायद हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट भी नहीं है मोस्ट ऑफ द यूजर्स के लिए। ले जी आप सब लोगों की पसंदीदा स्क्रीन कैफ आ गया। कैफ से पीछे बड़ा प्यारा जुमला लिखा है, वो कहते हैं कैफ के स्टेज पे हमारा फोकस है कॉम्पिटेंसीज, हम एप्लीकेशन और एनालिसिस ऑफ टेक्निकल नॉलेज के ऊपर लुट मचाना चाहते हैं, इग्नोर करते हैं। उन्होंने कहा 2 ग्रुप होंगे, ग्रुप ए और ग्रुप बी। जब स्कीम का पहला वर्जन सामने आया था तो ये ग्रुपिंग को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लेके चल रहे थे, लेकिन इस वक्त वो दोबारा से ग्रुपिंग्स इंट्रोड्यूस कर चुके हुए हैं। एक ग्रुप ए है, एक ग्रुप बी है। ग्रुप ए में 4 पेपर, ग्रुप बी में 4 पेपर। अब एक काम करते हैं, देखते हैं पहले से चीजें जो कनेक्टेड थी वो किस तरह से हैं। ये वही पेपर FR1 जो पहले होता था, हो सकता है सिलेबस में आपको पता है FR1 2 में खेलते रहते हैं, ये टॉपिक आगे डाल दिया टॉपिक पीछे, ये वही पेपर है। टेक्स्ट प्रैक्टिसेस का पेपर भी उसी तरह से ही है, इसी तरह से आपका FR2 का पेपर सेम है, MFA का पेपर सेम है और ऑडिट का पेपर सेम है, यानी कि हल्का फुल्का सिलेबस में हो सकता है शायद 5-1% वेरिएशन ले आए इन पेपर्स में, तो आपके 8 में से 5 पेपर्स तो वही है। फिर जो बिजनेस लॉ और सी लॉ था उन दोनों को जोड़ के एक नया पेपर बनाएंगे, ये बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लॉ मॉडिफाई। आईकैप का ये मानना था जब हमारी सिटिंग्स हुई है कि हम दोनों को जोड़ेंगे तो हम सिलेबस को इतना रीजनेबल कर देंगे कि वो एक पेपर में कवर हो सके। माजी में ये बड़ा भयानक पेपर रहा है, जिस टाइम पे बिजनेस लॉ कंबाइन होता था तो सबसे वर्स्ट रिजल्ट आईकैप का हमेशा इस पेपर में आता था, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा बिजनेस लॉ और बहुत ज्यादा कंपनी लॉ होता था। अब बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ थोड़े छोटे पेपर बन गए थे आपको पता है पिछली स्कीम में, अब इसको जोड़ के एक मुनासिब साइज का पेपर बनाएंगे, लेकिन स्टिल वो करंट बिजनेस लॉ
या कमती लॉसेज रहा, एडवांस लेवल का पेपर होगा तो अब मुझे भी मजा आएगा कि चलो कम से कम एक सीनियर मेच्योर पेपर है। वरना ये था कि बिजनेस लॉ तो लोग कहते थे सर इसकी तो क्लास लेने की भी जरूरत नहीं है, सर रहने देते हैं, सर आप बहुत, आप तो 4 महीने में 3 महीने में सिलेबस खत्म करा रहे हैं, जल्दी खत्म कराएं, हमने और सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो ये थोड़ा सा अब भारी हो जाएगा। पास्ट प्रैक्टिस ये है कि पिछली स्कीम में जब जब भी ये मर्ज हुआ है ये पेपर थोड़ा सा जालिम बना है। अच्छा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है आपका? अभी आज पेपर है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसको उन्होंने नाम चेंज करके मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर दिया और उसको ग्रुप बी में डाल दिया। इससे फीलिंग आ रही है कि ये इसे थोड़ा सा सीनियर पेपर बनाना चाह रहे हैं। और फिर होगा ये कि सीएम में के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो खत्म कर देंगे और जो इसमें कुछ एडवांस टॉपिक्स डालने की कोशिश करेंगे। पुराने जमाने में सीए फाइनल में एक मैक का पेपर होता था, उसमें एक दो इजाफी टॉपिक्स थे जो इस वक्त के सीएमए में नहीं है। तो आई स्ट्रॉन्गली बिलीव कि ये इसमें तकरीबन समझे 10% से 15% चेंजेस करेंगे और इसको एक बिगनर लेवल के पेपर से उठा के थोड़ा सा एडवांस कर देंगे। अब आईकैप ने ना ग्रुप बी ज्यादा भारी कर दिया है, तो ये इसमें। देन हमारे पास पेपर आता है डेटा सिस्टम्स एंड रिस्क। अगर आप लोगों ने एमएफए पढ़ा हुआ है तो एमएफए में आईटी सिक्योरिटी एक चैप्टर है, एक चैप्टर जिसमें कुछ पोर्शन है चैप्टर 4। इसी तरह से कुछ डेटाबेसेस सिस्टम्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है, ईआरपी क्या होती है, कैसे काम करती है, ये आपका बिटकॉइन के पीछे जो टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन ये क्या है, किस तरह से काम करती है, दिस इज प्रिज्यूम टू बी अ वेरी डिटेल्ड थ्योरी एंड मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए एक बोरिंग सा पेपर। यानी कि हो सकता है इन पर बच्चे सॉल्यूशन निकालें कि सर वो हमने रट्टा मार लिया था, समझ तो कुछ आई ही नहीं है। मैं इस पेपर को देख के एक्साइटेड तो हूँ कि इस पेपर से आपको टेक्नोलॉजी की समझ आएगी और कैफ के बच्चों को ये समझ आनी चाहिए। बट पर्सनली बिलीव कि अगर ये ग्रुप बी में होता और आप थोड़े मेच्योर हो गए होते तो ये पेपर आपको ज्यादा मजा देता। ग्रुप ए में बच्चे फिर क्या करेंगे, पीपल टेंड टू क्रैम इट, और जब इसे क्रैम करेंगे तो इसे उसका असल मजा है, फ्लेवर है, वो थोड़ा सा खत्म हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा इन्होंने नाइंसाफी कर दी है। लेकिन बहरहाल अगेन ये ड्राफ्ट है। मैं आपको बताऊं, 1-2 महीने पहले मैंने जब इसके ऊपर डिस्कशन हमारी जब आईकैप से हुई थी तो हमें ये पेपर ग्रुप बी में नजर आ रहा था और ग्रुप ए में सीएम में नजर आ रहा था। तो ये चेंजेस आती रहती हैं। तो आपने अभी ऑब्वियसली इसकी बेस पे तो कोई डिसीजन नहीं लेना, आपके 5 पेपर्स तो वही इंटैक्ट है। तो आपने जो भी डिसीजन लेना है वो आपने अभी अपने कम्बिनेशन को लेके लेना है। लेकिन अब दो इंपॉर्टेंट चीजें हो गई। जो नया पेपर है, सवाल ये है कि क्या एक बच्चा है वो कहता है सर मैंने 7 पेपर पास किए हैं, ये अचानक से नया पेपर आ गया और अगर अगली अटेम्प्ट में मेरा एक पेपर रहता होगा तो क्या मुझे ये पेपर देना पड़ेगा। इस पर बड़ी डिबेट हुई और आईकैप में हमने भी उन्हें सजेस्ट किया कि देखें अगर आप एक नया पेपर लेके आ रहे हैं तो जो एग्जिस्टिंग बच्चे हैं उनके ऊपर उसको अप्लाई ना करें। तो उन्होंने कहा नहीं जी इस तरह से तो नहीं, हम चाहते हैं कि लोगों को सिखाएं नई चीज। तो लेकिन जो करीब पहुंचा वो एंड के हम उसको तंग ना करें। तो देर आर डिफरेंट आर्गुमेंट्स। एक ऑप्शन ये हो सकता है कि जिसका ग्रुप ए पास हुआ हुआ होगा उसको ये पेपर ना देना पड़े। अब ये मिथ्स हैं, ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो अभी स्कीम में नहीं लिखी हुई है। एक ऑप्शन ये हो सकता है कि वो कहेंगे जिसने इतने नंबर ऑफ पेपर 4 या 5 पास किए हुए हैं उसको ये पेपर नहीं देना पड़ेगा। और एक ऑप्शन ये हो सकता है वो कहें भाई सबने पेपर देने, हम आपको टेक्नोलॉजी सिखाना चाह रहे हैं। तो ज्यादा मुझे चांसेस लग रहे हैं कि जिसका ग्रुप ए पास हुआ वो होगा या जिसके कम से कम 4-5 पेपर पास हुए हुए होंगे उसको मोस्ट प्रॉब्ली ये पेपर नहीं देना पड़ेगा ट्रांजिशन के दौरान। हो सकता है वो टाइम रख देंगे भाई साल तक आपने नहीं देना, लेकिन अगर आपने साल तक नहीं क्लियर किया तो ठीक है फिर आपको ये देना पड़ जाएगा। तो अभी एक चीज जहन में रखनी है, ट्रांजिशन आईकैप ने अभी नहीं बताई है। आईकैप अभी ट्रांजिशन बताएगा पेपर टू पेपर। तो जो साफ नजर आ रहा है वो ये है कि जिसने FR1 पास किया होगा उसका ये पेपर एग्जेम्प्ट हो जाएगा, टैक्स वाले का ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इसी तरह से FR2, MFA और इसकी बेस पे तो सीधी सीधी एग्जेम्पशन है। बिजनेस और कॉर्पोरेट लॉ का पेपर ऑब्वियसली अगर आपने खाली बिजनेस लॉ पास किया हुआ या खाली कंपनी लॉ पास किया हुआ है तो ये आईकैप के नजदीक बिल्कुल भी इक्विटेबल नहीं है कि आपको वो नया पेपर एग्जेम्प्ट कर दें। हाँ अगर आपने दोनों पेपर पास किए हुए हैं तो वो नया पेपर आपको एग्जेम्प्ट कर देंगे मोस्ट प्रोबली। अब अगर फर्ज करें आपने बिजनेस लॉ पास किया और कंपनी लॉ नहीं पास किया, अब यहाँ पे हमारी पुरानी हिस्ट्री काम आएगी। एक काम करता हूँ, मैं एक ब्लैंक स्क्रीन की तरफ चला जाता हूँ ताकि मैं वहां पे आपको बताऊं। बी लॉ का पेपर, सी लॉ का पेपर। पुराने जमाने में क्या हुआ, पुराने जमाने में जब इन्होंने बी लॉ और सी लॉ को आपस में मर्ज करके एक बड़ा बिजनेस लॉ का पेपर बनाया था तो उस टाइम पे उन्होंने ये देखा था कि जिन लोगों ने बी लॉ पास किया हुआ था 8 अटेम्प्ट्स तक, 8
आठ का मतलब है 4 साल तक वो उन बच्चों को कहते थे कि आपने इस बी लॉ के पेपर को 50 नंबर का अटेम्प्ट करना है, आपने सिर्फ सी लॉ का पोर्शन अटेम्प्ट करना है। तो 8 अटेम्प्ट्स तक रिजल्ट ऐसे आता था कि बिजनेस लॉ का अलग रिजल्ट आता था और कंपनी लॉ ओनली का अलग रिजल्ट आता था। मुझे आज भी याद है कि 8वीं अटेम्प्ट में भी कोई 200 ऐसे बच्चे थे जो खाली कंपनी लॉ का पेपर दे रहे थे। तो अगर मैं उसी हिस्ट्री को ही दोबारा से सोचूं कि रिपीट होती हुई है, तो अगर ये बी लॉ और सी लॉ, आपने फर्स्ट करें बी लॉ पास किया हुआ है और आपका सी लॉ रहता है, तो जो नया वाला पेपर है मोस्ट प्रोबली 90% चांस है कि उसमें आप सिर्फ सी लॉ के पोर्शन को दे रहे होंगे। अच्छा, अब सवाल ये है कि सर मैं बी लॉ इस वक्त उठाऊं या ना उठाऊं। अब मेरा मशवरा क्या है, अगर आप, अब मैं एक मशवरा दे रहा हूं जो मेरे अपने लिए भी नुकसानदेह है। फर्ज करें आपके बी लॉ और सी लॉ दोनों रिमेनिंग हैं, आज की डेट में आपके ये दोनों रिमेनिंग हैं, तो मैं दिल पे पत्थर रख के ये सजेस्ट करूंगा कि आप इनमें से अभी कुछ मत उठाएं, आप बाकी पेपर्स अपने सीधे करें। क्योंकि अगर आप इन दो को उठाएंगे तो फिर आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, और एक उठा के दे देंगे तो बहरहाल अगली अटेम्प्ट में आपका कोई पेपर कम तो नहीं होगा। तो अगर तो आपके दोनों पेपर अभी पेंडिंग हैं, तो फिर खुदा के लिए आपने इनमें से किसी को आने वाली अटेम्प्ट में नहीं उठाना। मैं बता रहा हूँ कि इससे मुझे अपना नुकसान होगा क्योंकि बी लॉ इज वन ऑफ माई प्राइम पेपर्स, लेकिन गलत सच मशवरा नहीं दे सकता। नई स्कीम की चेंजेस को जहन में रखते हुए आई वुड सजेस्ट कि अगर बी लॉ सी लॉ दोनों पेंडिंग है तो आने वाली अटेम्प्ट में बी लॉ मत उठाएं, इसकी जगह सीएम में उठा लें, कुछ और उठा लें, क्योंकि ये देने से भी आपके नंबर ऑफ पेपर अगली वाली स्कीम में बचने नहीं वाले। अच्छा, अगर आपका, आपने जनाब सर मैंने बी लॉ दिया हुआ है और ये पास होने के चांसेस हैं, या बी लॉ पास है, अब मैं क्या करूं, फिर मैं आपसे कहूंगा लाजमी सी लॉ उठाएं, क्योंकि आज आप एक छोटा पेपर उठा के देंगे और एक बड़े पेपर की टेंशन आपके दिमाग से बिल्कुल इजी हो जाएगी। तो अगर दोनों रहते थे तो कोई मत उठाएं, अगर बी लॉ सी लॉ में से कोई एक पास है तो फिर, या दिया हुआ है तो फिर आने वाली अटेम्प्ट में दूसरा लाजमी उठा लें, ताकि आप एक छोटा पेपर आज की डेट में पास करें और टेंशन फ्री हो जाएं उस वाले पेपर से। भले आपने 50 नंबर का पेपर देना हो, लेकिन उस पेपर का टेक्निकल लेवल हो सकता है थोड़ा ज्यादा खतरनाक हो जाए। और अगर आपके दोनों पेपर पास हुए हैं, फिर तो टेंशन ही कोई नहीं है, फिर तो आपको पता है कि आप नई वाली स्कीम के एक बड़े भारी पेपर से बच गए हैं। दूसरा, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सी एम ए के पेपर को अगर आपके कम्बिनेशन में बन रहा है तो कोशिश करें सीएमए का पेपर दे दें, क्योंकि सीएमए का पेपर जिसका पास हुआ वो होगा 99% चांस है कि जो नए वाला मैक का पेपर देंगे तो चूंकि वो 80-90% सेम होगा तो वो आपको उसमें एग्जेम्पशन दे देंगे। ये बहुत ज्यादा चांसेस हैं इस चीज के, तो सीएमए का पेपर लाजमी उठाएं, क्योंकि सीएमए का पेपर आपको उस मैक से बचा लेगा जिसका आज हमें नहीं पता कि क्या सिलेबस है, और अगर आईके उसको एडवांस कर रहा है, ग्रुप बी में लेके जा रहा है, तो उसका लेवल ज्यादा टेक्निकल हो सकता है। तो ये कुछ मशवरे हैं। नंबर ऑफ पेपर्स आप अच्छे उठाएं इस वक्त, क्योंकि अगर वो जो डाटा वाला पेपर है, अगर वो एग्जाम होने के बीच आई कि अपने क्राइटेरिया नंबर ऑफ पेपर्स का रखा हुआ है, तो फिर आपकी बचत हो सकती है। तो ये अब आपने फिर जहन में रखना है कि ये स्कीम का कुछ शक्ल ऐसे बन रही है। एक दफा आई कैप ये भी बता दे कि क्या एग्जेम्पशन है, किसकी बेस पे क्या, तो हम थोड़ा सा ज्यादा बेहतर क्लियर होंगे। तो आज मैं एक प्री रिक्विजिट डिस्कशन कर रहा हूँ, लेकिन हम बाद में एक सेशन दोबारा करेंगे जब आई कैप चीजों को रिवाइज कर देगा। आप में से अक्सर लोगों का डाटा हमारे पास है, कुछ हमने बाद में उसमें फोन नंबर भी लेने शुरू कर दिए, तो हम आप लोगों को मैसेजेस करके अगली दफा का वो बता देंगे। अगर आईकेएफ ने कुछ और अनाउंसमेंट की, इसी तरह से एक लाइव सेशन करके उस पर मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो ऐसे में हर किसी की अपनी अपनी वो है, मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, सर मेरे ये पेपर वो पेपर, उसके साथ वो दूं, उसके पास वो दूं या ना दूं। दो मशवरे मेरे, पहला मशवरा सीएमए लाजमी दें अगर रहता है, दूसरा मशवरा सीलो बीलो में से कोई एक अगर आपने दिया हुआ है तो लाजमी अब दूसरा वाला दे दें। इसी से कनेक्टेड मशवरा, अगर आपने दोनों नहीं दिए तो दोनों को होल्ड पे करें, आप सीएम में उठाएं फिर आगे की तरफ चल पड़े। अगर आपका एफ आर वन पास है या पास होने की चांसेस हैं, तो एफ आर टू टाइप का पेपर उठाएं, मतलब कुछ इस तरह से मूव ऑन करें। सीएम में पास है तो एमएफए उठाने की कोशिश करें, फिर आप बीलो सीलो को अवॉइड करने की कोशिश करें, क्योंकि खाम खा आप एक पेपर देंगे और फिर पेपर दोबारा से भी देना पड़ रहा होगा एक हाफ लेंथ। लेकिन फर्स्ट करें आप कहते हैं सर मैं एक तेज बच्चा हूं, मैं चार पेपर देना चाहता हूँ, अगर तो चार पेपर की ख्वाहिश रखते हैं तो फिर बीलो सीलो दोनों छोटे वाले पेपर आज उठा लें, ताकि नई स्कीम के पेपर से बच जाए। तो मेन मशवरा ये है कि दोनों रहते हैं तो मत उठाएं, एक हो गया है तो लाजमी उठाएं, फिर कोई सेकेंड थॉट नहीं है। वापस चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ। तो ये कैफ के हमारे पेपर्स की शक्ल थी कि क्या किस तरह से। अब सवाल ये कि क्या ग्रुपिंग में अब वही रूल है एफ आर वन की बेस पे एफ आर टू फलाना फलाना। आई कैप ने
मोटा मोटा एक्सप्लेन किया, मैं बार बार याद करा दूंगी, हम गैर हतमी गैर सरकारी बात कर रहे हैं, जो आईके अपने इस वक्त शेयर की है मैं उसको बता रहा हूँ, क्योंकि इतने सारे लोग पेपर वाले वीक में इतने परेशान थे, तो मैंने फेसबुक पे आके कहा भाई हम लोग इस पे सेशन कर लेंगे, खुदा के लिए इस वक्त इस पे फोकस मत करें, इस वक्त अपने पेपर दे रहे हैं। तो मैं सिर्फ उस वादे को पूरा करने के लिए आया हूँ। वो कह रहे हैं कि जी आपको हम एनकरेज कर रहे हैं कि आप रजिस्टर हो जाएं किसी आरईटी के साथ। जालमो इधर तो कह दो यार लाजमी पढ़ लो आरईटी से, मतलब हम मतलब चले जाएं साइड पे हैं, हम हमारा कोई किरदार नहीं है। वो कहते हैं आरईटी जो है ना, अगर आपका दिल करे हम चाहते हैं कि आप इनके पास जाएं, तो क्लासेस के लिए वो आपको एनकरेज कर रहे हैं। नहीं, कैफ कैंडिडेट रजिस्टर फॉर कैफ आर फोर्स्ड, ये लिखना चाहिए ना, फोर्स्ड टू रजिस्टर विद आरईटी, लाजमी जाओ आरईटी। खैर मजाक था। कैंडिडेट्स चार पेपर में अपीयर हो सकते हैं, चार, ये ज़हन में रखना है। पता नहीं क्यों लोगों को नहीं पता है कि अपने बड़े अरसे से ये अटेम्प्ट चार कर दिए, और बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज हैं, सर मैं पांच पेपर उठा लूं इस तरह से कर लूं, चार से ज्यादा पेपर नहीं उठा सकते, ये मैक्स है। लेकिन आइडियल पेपर हमेशा तीन होते हैं, तीन से ज्यादा पेपर उठाने वाला बहुत ज्यादा शदीद दिक्कत में रहता है। कैंडिडेट्स ग्रुप बी के पेपर में कब अपियर हो सकेंगे, जब वो ग्रुप ए के पेपर्स कम से कम दो पास कर लेंगे। आईकेप वो पुरानी लिमिट दोबारा से ला चुका है, आईकेप ने लिमिट खत्म की थी, FR1 और FR2 को बाउंड कर दिया था, बच्चों ने इतने एहतजाज किए, इतने डरान वो दिए, इतना उन्हें काम खुदकुशी करने वाले हैं कि उन्होंने घबरा के दोबारा से वो चीज रिस्टोर कर दी। अब जो ग्रुप ए के दो पेपर पास करेगा वो ग्रुप बी की तरफ जा सकेगा। अगर दो पेपर आपके नहीं पास ग्रुप ए के, तो जब तक वो पास नहीं होंगे ग्रुप बी में आपका दाखिला ममनू है। अगेन गैर हतमी गैर सरकारी नतज के मुताबिक आपने भी फीडबैक देना है, हमने भी फीडबैक देना है, हम भी कोशिश करेंगे अच्छे फीडबैक देने की, आप भी कोशिश करें, लेकिन आपको पता है कि उन्होंने वो करना है जो उन्हें समझ आएगा। एग्जामिनेशन करंटली 6 महीने के बेसिस पे हो रहा है, हाउएवर प्लान्स इरादा नजर आ रहा है, बार बार प्लान्स आर इन प्लेस कि हम इंक्रीज कर दें इसकी फ्रीक्वेंसी। वो बार बार ये बात कर रहे हैं, जिससे बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, और उनसे डिस्कशन के बाद भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई कि वो साल में 3 दफा कैफ के पेपर लेने के बारे में सोच रहे हैं। बहरहाल वो पता नहीं कब इम्प्लीमेंट होता है, आपने उसको नहीं सोचना, आपने आज जो स्टैट हाथ में उसकी बेस पे सोचना है। अभी इस वक्त 6 महीने बाद एग्जाम है। टाइम लिमिट क्या है? लो जी टाइम लिमिट उन्होंने कर दी है 5 साल। अगर आप आज कैफ का इम्तिहान दे रहे हैं, जिस दिन आपने पहला कैफ का इम्तिहान देना है नई स्कीम आने के बाद, वहां से आपको 5 साल मिलेंगे। यह है उन लोगों के लिए जो कैफ की पहली अटेम्प्ट देने जा रहे होंगे नई स्कीम आने के बाद। जो पुराने स्टूडेंट्स उनके साथ क्या करेंगे आईकेएफ ने अभी नहीं बताया, बट ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो जिन लोगों की डिस्क्वालिफिकेशन अटेम्प्ट करीब आ गई थी उनको वो मार्जिन देख के नई स्कीम में डालना चाह रहे हैं। हम भी उन्हें ये मशवरा दे रहे हैं, आपने भी उनको ये रिक्वेस्ट करना है कि देखें जी मेरी आखिरी अटेम्प्ट आ गई है, मेरा एक आध पेपर रहता है, अब आप नई स्कीम में देखें लोगों को ज्यादा टाइम दे रहे हैं, काइंडली रिक्वेस्ट है, अच्छी पोलाइट टोन रखिएगा, उन्हें मेल करें और उनसे कहें कि जी काइंडली मुझे भी नई स्कीम के अंदर दाखिल कर लें और मेरी अटेम्प्ट दोबारा से बढ़ा दें। तो जो फंसे हुए हैं, जो आखिरी अटेम्प्ट के करीब पहुंचे हुए हैं, मुझे यहाँ थोड़ा सा होप है, होप 100% सर्टेनिटी नहीं है, होप है कि उन लोगों को नई अटेम्प्ट्स मिलने जा रही हैं इंशाल्लाह। बस आपने भी सपोर्ट करना है, हम अकेले तो बहुत शोर मचाते हैं। आईकेएफ कहते हैं जी टीचर्स हमें मेल करते रहते हैं, बच्चा तो कुछ कहता नहीं है। आप लोगों ने उन्हें कहना है कि खुदा के लिए आप नई स्कीम लेके आ रहे हैं, मैं पुरानी स्कीम का स्टूडेंट हूँ, मेरे इतने पेपर रहते हैं, काइंडली मेरी भी अटेम्प्ट बढ़ा दें। जैसे नए वालों को आपने 5 साल का टाइम दिया है, तो अच्छा उन 5 साल के बाद फिर 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट उन्हें मिलेंगी जिनके कम अज कम 2 पेपर्स रहते होंगे, तो उनको एक एडिशनल ईयर मिल जाएगा। इसका मतलब है 5 साल + 1 6 साल वो दे देंगे कैफ के 8 पेपर क्लियर करने के लिए। तो 5 साल मिलेंगे सबको, और जिसने 5 साल में 6 8 में से 6 पेपर पास कर लिए उसको फिर मजीद वो अटेम्प्ट दे देंगे। तो इसका मतलब है कि अब उन्होंने 10 + 2 12 अटेम्प्ट्स रख दी हैं 8 पेपर्स के लिए, सफिशियंट टाइम है। और वाकई एक बंदा 6 साल तक कोशिश कर रहा है और फिर भी उसके सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पेपर्स रहते हैं, तो उस बच्चे को रीअसेस जरूर करना चाहिए। आप सबको मैं मशवरा दूंगा कि साइमल्टेनियसली कोई ना कोई बैचलर तो आप सबको उठा लेना चाहिए, मुल्क से बाहर जाना हो, किसी और क्वालिफिकेशन में जाना हो, सीए से भागना हो, कुछ भी करना हो लाइफ में, बैचलर्स हमेशा काम आ जाता है, बैचलर्स लाजमी दीजिए। कोई ना कोई बैचलर उठा लें, पंजाब यूनिवर्सिटी, अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, वर्चुअल यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी, व्हाट सो एवर, जो यूनिवर्सिटी सूट करती है, कोई ऐसा बैचलर्स जिसमें वो सिर्फ पेपर वाले दिन जाके आपने पेपर देना हो। नंबर नहीं अच्छे चाहिए, सिर्फ बैचलर्स का टैग चाहिए, कल को आप मुल्क से बाहर जाएं तो आपकी जिंदगी थोड़ी सी आसान हो, आप किसी और क्वालिफिकेशन में जाए आपकी जिंदगी आसान हो। तो दैट इज अबाउट कैफ।
अब इसमें जाहिर है आपके मुख्तलिफ सवाल होंगे, मैं एंड ऑफ सेशन पे आपके सवाल भी ले रहूंगा और साथ साथ हमारे टीम मेंबर्स भी आपके स्पेसिफिक उनको एड्रेस करेंगे। भाई ने कहा सर आईकेप के ईमेल बता दें, आईकेप की वेबसाइट पे जाएं, वहां एक पोर्शन है कम्युनिकेट विद आईकेप, वहां आप डिपार्टमेंट सेलेक्ट करते हैं और उस डिपार्टमेंट को आप डायरेक्ट मेल कर सकते हैं, तो वो उन्होंने वेबसाइट पर ऑप्शन दिया हुआ, वो आप जाके चेक कर सकते हैं। ले जी कहानी को अगले मरहले में दाखिल करते हैं। सीफेप लें जी, वो 25% लोग जो अब इस वक्त शिफ्ट हो रहे हैं या सीफेप में मौजूद हैं, जो शिफ्ट हो रहे हैं मैं उन्हें बता दूं कि इस वक्त अगर आप आज आपका रिजल्ट अच्छा हो गया, सितंबर में अगर रिजल्ट आपका आ गया, मतलब सितंबर में आपने पेपर दिए, अक्टूबर में आपका रिजल्ट आ गया और आप सीए फाइनल में चले गए, तो आप फिलहाल पुरानी स्कीम के स्टूडेंट, तो आपने इसको नहीं सोचना, उस हिसाब से सोचना। लेकिन अगर साल बाद अटेम्प्ट है और आईकेप ने अटेम्प्ट नई स्कीम की ली, तो आप एक खिचड़ी में आ गए, तो आइडियली आपको थोड़ा सा वेट करना होगा समझने के लिए कि आईकेप क्या करता है। उस दौरान सेफ पेपर है, ये जो एसपीएम है ना, जो करंट एसपीएम का पेपर है, बिजनेस वाला जो पेपर है, वो अभी इस वक्त सेफ नहीं है, पता नहीं इस पेपर के साथ वो क्या करते हैं। जो शिफ्ट ओवर हो रहे हैं वो हो रहे हैं, और जो मौजूद हैं वो हो रहे हैं। जो मौजूद हैं जिन्होंने अभी दिसंबर की अटेम्प्ट देनी है और आने वाले जून की अटेम्प्ट देनी है, उन्होंने तो पुराने तरीके से देनी है, उन लोगों को मैं कहूंगा आप एसपीएम लाजमी दें। मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि एसपीएम देने से आपको फायदा हो जाएगा, उन लोगों के लिए जो आज आर्टिकल्स में मौजूद हैं, जो करंट सीफेप वाले हैं जिन्होंने दिसंबर में अटेम्प्ट देनी है, दिसंबर 2024 ये अभी जो आ रहा है, और 2025 के जून में जिन्होंने अटेम्प्ट देनी है, वो एसपीएम लाजमी दे। मुझे बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि शायद इस पेपर की बेस पे आपको वो बड़े वाला केस स्टडी एग्जाम कर दिया जाए, अभी उन्होंने फाइनल नहीं किया, लेकिन ऐसी बड़ी स्ट्रॉन्ग वाइब्स है। लेकिन एक नया बच्चा जो आज जिसका रिजल्ट अभी आना है इंशाल्लाह अक्टूबर में, और वो सीए फाइनल उठाता है, तो उसकी अटेम्प्ट कम से कम दिसंबर में जाके बनेगी, तो ऐसे बच्चे को फिर एसपीएम से दूर रहना होगा, क्योंकि एसपीएम वो उठा के पढ़ रहा होगा और जब पेपर देने जाएगा तो पता लगेगा एसपीएम का पेपर खत्म हो चुका हुआ है। तो ऐसे में जो सेफ पेपर है स्टार्टर्स के लिए, वो ये दो पेपर है, सीफेप 1 और सीफेप 2, अकाउंटिंग का बड़ा वाला पेपर और लॉ का बड़ा वाला पेपर, आपके लिए दो सेफ हैं। ये नया वाला पेपर है, अभी इस नए पेपर पे भी डिबेट है, उन्हें कह रहे हैं कि भाई अगर एक बच्चे के कुछ पेपर पास हैं तो आप इसको ये एग्जाम कर दो, तो हो सकता है जिसका रिपोर्टिंग पास हो, और हो सकता है वो कह देंगे जिसके तीन पेपर पास हैं उसको हम ये नया पेपर एग्जाम कर देंगे, सीफेप 3। ये पेपर क्या है, अभी सीफेप वालों के लिए मैं बता दूं, ये थोड़ा सा एक खास किस्म का कंसर्न दुनिया में एनवायरमेंटल उसका होता ये है कि आप फाइनेंस अकाउंट्स वगैरह की बातें तो बहुत सारी बताते हैं अपने अकाउंट्स में, लेकिन आपको ये भी बताना चाहिए डायरेक्टर रिपोर्ट में, जैसे हम कहते हैं कि हमने एनवायरमेंट के साथ क्या किया, तो दुनिया में बहुत सारे फ्रेमवर्क्स बने हुए हैं जो बताते हैं कि अकाउंट्स के साथ आपने अपनी एनवायरमेंट से रिलेटेड किन किन चीजों की अकाउंटिंग करनी है, किन किन चीजों को लेके चलना है। तो अगेन ये थोड़ा सा खुश्क मिजाज है, और ये मोर ऑफ अकाउंटिंग और थोड़ा सा ऑफ बिजनेस टाइप का पेपर है, तो यूं समझे कि अकाउंटिंग के पेपर के दो टुकड़े हो गए हैं, और ये अब अकाउंटिंग की करीब करीब की नेचर का ये पेपर बनाने जा रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी फॉर अकाउंटेंट्स। बीएफडी वैसे ही है, टैक्स वैसे ही है, ऑडिट वैसे ही है, लेकिन ऑडिट के साथ एक प्रॉब्लम ये आ गया है कि ऑडिट के साथ उन्होंने प्री रेक्विजिट रख दिया है, वो कह रहे हैं हमारा हैंड्स ऑन कोर्स करोगे तो तुम ऑडिट कर सकते हो, तो ऑडिट भी डेंजर जोन में चला गया, और इसी तरह से ये हमें नहीं पता कि अभी नया पेपर क्या है। तो सेफली आपको सीफेप 1 और 2 उठाना चाहिए, जो मौजूदा बच्चे हैं वो 1, 2, 3 में से, यानी कि लॉ, रिपोर्टिंग और एसपीएम में से कुछ भी उठा लें, जिनकी दिसंबर 24 या जून 25 की अटेम्प्ट है, लेकिन जिनकी उससे आगे अटेम्प्ट बन रही है, जिनका अभी कैफ का रिजल्ट आना पेंडिंग है, वो एसपीएम को ना सोचें, वो 1 और 2 को सोचें और इंतजार करें आईकैप आगे वाले पेपर्स के साथ क्या करता है और इसके बारे में क्या पैटर्न बनाता है। तो अभी एक और डॉक्यूमेंट आईकैप का आएगा जो बताएगा कि किस पेपर की बेस पे क्या एग्जम्पशन है, तो फिर आप अपना डिसीजन ज्यादा बेहतर ले सकेंगे। बट आज की डेट पे मैंने आपको मशवरा दे दिया है, मौजूदा सीफेप के स्टूडेंट्स एसपीएम दे के कोशिश करें कि शायद उनका वो केस स्टडी पेपर एग्जम्प्ट हो जाए, और जो नए स्टूडेंट्स हैं वो एसपीएम को भी मत छेड़ें। सर क्या फिर सीए सस्टेनेबिलिटी ऑडिट्स भी कंडक्ट करेंगे? जी इंशाल्लाह ताला, जब पाकिस्तान में कंपनियों में सस्टेनेबिलिटी बहुत ज्यादा ऐड हो जाएगी तो फिर हम सस्टेनेबिलिटी ऑडिट में भी जाएंगे। दुनिया के इस वक्त ये ग्लोबल उभरता हुआ कंसर्न है, आईकेप इस पे बहुत सारे सेशन कर रहे हैं, और हम आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ जा रहे हैं कि हम जिस तरह से अकाउंट्स को ऑडिट करते हैं उस तरह से सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स बनाएं और उन रिपोर्ट्स का भी ऑडिट हो और उसके भी पैटर्न हो। तो ये आईकेप ने इस तरफ एक कदम उठाया और ये एक बड़ा अच्छा कदम है, दुनिया में आप कहीं भी जाते हैं तो आपको ये वाले काम करने। डिलीवरी ऑफ द कोर्स एग्जामिनेशन क्या होगा? स्टूडेंट के पास अभी भी ऑप्शन है कि सेल्फ स्टडी करें या क्लासेस लें, एनकरेज भी नहीं किया उन्होंने, भाई आपकी अपनी मर्जी है।
अटेम्प्ट कब करना है, उन्होंने कहा ड्यूरिंग ट्रेनिंग कर सकते हैं, विदाउट ट्रेनिंग कर सकते हैं, आफ्टर ट्रेनिंग कर सकते हैं। ये खिचड़ी है, ये मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने तीन ऑप्शन आपको दे दी है और आपको ना एक डिसीजन में फंसा लिया, लेकिन ये तीन ऑप्शन तब आएंगी जब स्कीम फाइनली आ जाएगी। जो इस वक्त जा रहे हैं उनके पास ये ऑप्शन अभी नहीं। और अगेन आपने कम से कम दो पेपर लाजमी देने हैं। सीए फाइनल की रिक्वायरमेंट होती है कि आप दो से कम पेपर नहीं दे सकते। हाँ, अगर आपका रह ही एक गया तो फिर आप एक देंगे, वरना आप हमेशा दो पेपर देंगे कम से कम। हर 6 महीने बाद इम्तिहान होता है। इन्होंने कोई ऐसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया कि हम इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाना चाह रहे हैं इस तरह से करके। टाइम लिमिट क्या है, 10 साल होंगे आपको सीफेप पेपर्स क्लियर करने के लिए। और अगर दो आपके सीफेप पेपर रह गए और बाकी सारे पास हो गए तो आपका टाइम अनलिमिटेड हो जाएगा। यानी 10 साल में आपने इन पेपर्स में से दो छोड़ के बाकी सारे पास कर लिए तो 10 साल के बाद आपकी अटेम्प्ट्स अनलिमिटेड हो जाएंगी। तो 20 अटेम्प्ट्स हैं आपके पास चार पांच पेपर पास करने के लिए। और उसके बाद जो जो फाइनल तक पहुंच गया आर्टिकल्स करके बैठा हुआ, उन्होंने कहा ठीक है बस अब ये दरवेश आदमी है, इसको उसके हाल पे छोड़ देते हैं, इसको अब हम क्या छेड़े। अटेम्प्ट कब काउंट होगी, अटेम्प्ट तब काउंट होगी जब आपको एक एडमिट कार्ड इशू हुआ और आपने उसके ऊपर साइन किए हैं, तो वो आपकी अटेम्प्ट काउंट होगी। इसका मतलब वो कह रहे हैं कि अगर आपने दो पेपर देने हैं तो ऐसा ना हो कि आप दो का दाखिला भेजें, एक दें और एक दें ही ना। आप जाएंगे वहां बैठेंगे, आप वहां साइन करेंगे शीट को, तो आपकी अटेम्प्ट काउंट होगी। तो सीए फाइनल के लिए अभी से माइंड बना लें कि कम से कम दो पेपर आपको हर अटेम्प्ट में देने। एलिजिबिलिटी क्या है, आप सीफेप में कब आएंगे, उन्होंने कहा कि अगर आपने ये किया वो, ये एक अलग कहानी है, इसको मैं जरा दो स्लाइड्स आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ। कि ट्रेनिंग के साथ ना उन्होंने एक बड़ा मजेदार सा काम किया है। ट्रेनिंग के साथ उन्होंने क्या किया है, आपके पास अब तीन ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि जो आज की डेट पे 3.5 साल की ट्रेनिंग होती है, यानी आपने कैफ कंप्लीट किया, आपका कैफ प्लस हैंड्स ऑन कोर्स पास हुआ, आप रजिस्टर हो गए ट्रेनिंग में, 3.5 साल की ट्रेनिंग है जिसमें साल बाद आप इम्तिहान देना शुरू कर सकते हैं और आप देते रहते हैं। ये है एज ऑफ नाउ। दो मजेदार ऑप्शंस दिए उन्होंने। एक ऑप्शन उनके लिए जो चाहते हैं फाइनलिस्ट का लेबल लग जाए, पेपर्स की खैर है वो तो जिंदगी भर पास होते रहेंगे। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कहते हैं माहौल बना हुआ है पेपर पास होने का, काश इसी वक्त आइए फाइनल के भी इम्तिहान ले ले, हम साल में फाइनल को फड़का फड़कू के रख दें। तो अब उन्होंने तीन ऑप्शन दिए हैं, मौजूदा 3.5 साल की ट्रेनिंग, दूसरा ऑप्शन आप अनइंटरप्टेड ट्रेनिंग करें। आप गए, आपने सीफेप स्टार्ट किया, आपने कहा भाई मैं एक शरीफ आदमी हूं, मैं सिर्फ सीखना चाहता हूँ, मैं पेपर नहीं देना चाहता। वो कहेंगे आज जो आपके आर्टिकल 3.5 नहीं 2.5 साल के, आपको 1 साल हम छूट दे देते हैं, आप 2.5 साल में सिर्फ आर्टिकल्स करो, आपको सिर्फ तबियत खराबी वगैरह वाली छुट्टियां मिलेंगी, पेपरों वाली छुट्टियां नहीं मिलेंगी। आप पहले अपनी आर्टिकल्स खत्म कर लो, आर्टिकल्स खत्म होने के बाद जिंदगी भर पेपर देते रहना, एक ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन है, उन्होंने कहा भाई काम करो, 4 पेपर सीफेप के पास करो और फिर ट्रेनिंग में आओ, 4 पेपर या 2 साल, विच एवर इज अर्लियर। वो आपको 2 साल का टाइम लेंगे, 2 साल में आपके पास 4 अटेम्प्ट होंगे, उन 4 अटेम्प्ट में अगर आपने 4 पेपर पास कर लिए तो 2 साल पूरे हो गए तो भी आपको आर्टिकल शुरू करने पड़ेंगे, या 4 पेपर पास हो गए तो भी आपको आर्टिकल शुरू करने पड़ेंगे। तो फर्ज करें आपने दो दो करके 2 अटेम्प्ट दी और फर्स्ट करने 3 अटेम्प्ट में पास हो गया, 1.5 साल में आपने 4 पेपर पास कर लिए, अब आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी और वो ट्रेनिंग होगी 3 साल की ट्रेनिंग। तो एक ऑप्शन है कि 3.5 साल की ट्रेनिंग जिसके बीच में पेपर दें, दूसरी ऑप्शन है पहले 2.5 साल की ट्रेनिंग और बाद में पेपर, और तीसरी ऑप्शन है पहले 2 साल की पढ़ाई या 4 पेपर पास होने तक की पढ़ाई एंड उसके बाद 3 साल की ट्रेनिंग। तो स्टूडेंट 3 तरह के हैं। एक वो स्टूडेंट जो कहते हैं यार नई चीज मुझे समझ ही नहीं आती, तो भाई वो सुकून से वैसे ही चलते रहे जैसे आईकेप पहले उन्हें चला रहा था। फिर एक वो स्टूडेंट होता है जो बहुत लाइक होता है, वो कहते हैं मैं पढ़ रहा हूँ, मैं फर्म में जाऊंगा, मेरा फोकस आउट होगा, वो अपना कैफ खत्म होते साथ ही 1.5 साल लगाए 4 पेपर सीफेप के पास करे और फिर ट्रेनिंग स्टार्ट करते, ताकि उसे पता हो कि अब ट्रेनिंग जब खत्म होगी तो मैं एंड पेपर पेपर शेपर दे के अपनी जिंदगी आसान कर लूंगा। एक तीसरा स्टूडेंट है, वो कहता है भाई मैं कैफ कर लिया, बस अल्लाह का शुक्र है बहुत हो गया, मैं जिंदगी में बहुत ज्यादा की ख्वाहिश नहीं रखता, बस मेरे नाम के साथ फाइनलिस्ट का लेबल लग जाए इतना काफी है। तो वो आएगा, वो 2.5 साल की ट्रेनिंग करेगा, फाइनलिस्ट का लेबल लगवाएगा, उसके बाद पेपर देगा, नहीं होगा कुछ ACCA के पेपर दे देगा, एग्जामिनेशन ले लेगा, यानी वो लोग। तो अब स्टूडेंट 3 तरह के हैं, जो मीडियम स्टूडेंट है वो 3.5 साल वाला नॉर्मल प्लान उठाए, जो सुपर लाइक स्टूडेंट हैं जो बड़ी तेजी से पेपर पास कर रहे हैं वो पहले पेपर दे दें बाद में ट्रेनिंग कर लें, और वो स्टूडेंट जो 5-6-6-7 साल में या 4-5 साल में उन्होंने कैफ किया और उन्हें लगता है कि इस फाइनल के पेपर तो पता नहीं होने या नहीं होने, वो कम से कम 2.5 साल की ट्रेनिंग करके अपने साथ फाइनलिस्ट का लेबल लगवा लें, ट्रेनिंग कंप्लीट हुई होगी, फिर जिंदगी में कभी भी पेपर देख के अपना स्टेटस बेहतर कर सकते हैं। लेकिन ये किस दिन से इम्प्लीमेंट होगा, क्या है, कैसे है, अभी आई कैप ने कुछ नहीं बताया और ना ही अभी स्टूडेंट के पास ऑप्शन है। इवन हो सकता है
आप चाहते हो कि मैं पहले ट्रेनिंग करूंगा बाद में पेपर दूं। आपने अप्लाई किया केपीएमजी में, केपीएमजी ने कहा भाई हम तो सिर्फ वो वाली ट्रेनिंग देते हैं ये वाली। आपने जनाब फर्गूसन में अप्लाई किया, उन्होंने कहा हम तो वो वाली ट्रेनिंग देते हैं। आज की डेट में कंफर्म नहीं है कि फर्म्स इस चीज को किस तरह से देख रही हैं, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है तो जो पेपर पास करने वाला बच्चा है वो पहले पेपर दे दे जल्दी से, साल 1.5 साल में क्लियर करके ट्रेनिंग शुरू कर ले, और वो बच्चा जो कि बस मुश्किल में ही है तो वो बेहतर है कि वो पहले ट्रेनिंग कर ले। और मीडियोकर बच्चा है उसके लिए 3.5 साल वाली ऑप्शन अच्छी है, लेकिन अगेन दिस इज टू अर्ली, ये गैर हतमी गैर सरकारी बात हो रही है। वो कह रहे हैं कि एक अगर कैंडिडेट एक दफा ऑप्शन ऑप्ट कर लेगा तो रिवर्सिबल नहीं है। आप ये नहीं करेंगे जी उस टाइम पे मैं जरा और सोचा था, मेरा मूड चेंज हो गया, जैसा हमारे पास नहीं आते सर मैं प्री में उस सब्जेक्ट में एनरोल हुआ था, मैं सोच रहा हूँ मैं पोस्ट वाला सब्जेक्ट दे दूं, तो इस तरह की कोई रिवर्सिबल ऑप्शन नहीं है इसके अंदर। एडिशनली वो कह रहे हैं कि हम इसमें डेजिग्नेटेड पर्सन जो आपकी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन में होगा वो आपकी असेसमेंट करके बताएगा कि बच्चा कैसे जा रहा है, और उससे आपकी पेपर्स, आपकी परफॉर्मेंस या उन चीजों पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आएगा जो अभी आई के आपने क्लियर नहीं किया इसके अंदर। तो ये अब ऑप्शन है कि 3.5 साल की ट्रेनिंग कर लो, 3 साल की ट्रेनिंग कर लो, या 2.5 साल की, और जो पुरानी 4 साल की ट्रेनिंग जिस तरह से चल रही थी वो उसी तरह से चलते हैं। ट्राई कि आपने ये सब कंफर्म कब बताना है, बस ये बात कंफर्म नहीं है। लग रहा है कि आने वाले 2 महीने के अंदर वो एक एक करके सारे के सारे कबूतर जो है वो पिंजरे से निकाल के आपके सामने ले आएगा, लेकिन दिस वाज द टाइम कि उन्होंने आपको ये बता दिया कि वी आर वर्किंग ऑन न्यू स्कीम। एक बात तय है कि नई स्कीम पे हम सबका मुत्तफिका राय ये है कि एटलीस्ट मार्च तक नई स्कीम इंप्लीमेंट नहीं हो रही, क्योंकि आईकैप अभी इसमें बहुत सारी वर्किंग कर रहा है, और उनसे जो सिटिंग हुई है उसमें भी ये नजर आया है कि वो जून से पहले, अगले साल की जून से पहले पहले नई स्कीम के तहत किसी भी लेवल का पीआरसी हो, सीफेप हो या कैफ हो, उसका पेपर लेने के बारे में नहीं सोच रहे। तो यू आर सेफ, लेकिन ये जरूर पता है कि 6 महीने बाद कुछ चीजें चेंज होने वाली है, इसलिए मैंने आज आपको बताया कि आप बीलो सीलो के साथ क्या करें या सीएमए के साथ क्या करें। नहीं जी, फिर वो जो स्पेशल स्ट्रेटेजिक केस स्टडी पेपर है उन्होंने कहा जी इसके अंदर हम हमारा केस स्टडी होगा जिसमें आप कॉम्प्लेक्स बिजनेस इश्यूज पर बात कर रहे होंगे। मजेदार बात ये है कि 20 से 30 दिन पहले आपको केस स्टडी पकड़ा देगा, आपसे कहेगा भाई ये एक किताब चाहिए पढ़ो, जैसे यूनिवर्सिटीज वगैरह में होता है, 20-30 दिन पहले आपके पास चीजें आ गए, आप उसे पढ़ेंगे, फिर पेपर वाले दिन अचानक से वो उसके ऊपर बहुत सारे सवाल पूछ के आपसे असेस करेगा कि आप उसको हर तरह से एनालाइज कर सकते हो या नहीं। ये एक मजेदार काम होगा, 20-30 दिन पहले आपके पास डाटा मौजूद होगा, आप काफी सारे एनालिसिस कर चुके होंगे, और जब आप पेपर में जाएंगे तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से ड्राफ्ट कर सकेंगे अपने रिस्पॉन्सेज। इस तरह का ICAW में एग्जाम होता है, तो हमारे पास बहुत ज्यादा गाइडेंस ICAW से मिल जाएगी, और इस पेपर की तैयारी करना फिर उतना मुश्किल नहीं होगा जितना एक अनसीन MSA का पेपर होता था। MSA 1-2 उन्होंने खत्म कर दिया। वो कह रहे हैं कि यहाँ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आप रियल उसमें लगा सकते हैं, और यहाँ पे आपका SPM यानी कि बिजनेस वाला जो पेपर था वो इसमें होगा, और कुछ इसमें न्यूमेरिकल BFD का पोर्शन होगा, और मिला के एक बड़ी सी केस स्टडी बना देंगे। तो दिस इज गुड, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने जब बिजनेस में अपने आप को लेके चलना होता है तो ये पेपर वाकई ही एक अच्छा पेपर होगा जिससे मजा आएगा। कैंडिडेट चाहे तो सेल्फ स्टडी करें, चाहे तो क्लासेस ले लें। मैं जो है ना, मैं फायर गए थे, मैं गोली मार देनी है भाई, पर पैसे क्यों लेते हो करा रही थी से, बेचारे जो है ना पैसे दे दे के कब जाते हैं, और ये बच्चों से कहते हैं जी दिल करे तो पढ़ लेना, ना दिल करे तो ना पढ़ लेना। चलो कोई बात नहीं, खैर हर 6 महीने में इसके इम्तिहान हो रहे होंगे, और अगेन अभी इसका प्री रेक्विजिट बताएंगे आप कितना पास करेंगे तो यहां तक पहुंचेंगे, आपको पूरा सीफेप खत्म करने के बाद इसकी अटेम्प्ट देनी होगी, अभी बहुत सारे छोटे छोटे से इफ्स एंड बट्स इसमें आने वाले। ये उन्होंने एक रूट समझाने की कोशिश की है, उन्होंने कहा जी ये जो आपके एग्जिस्टिंग रूल की ट्रेनिंग है, या वो जो 4 पेपर सीफेप के कर लें फिर उसकी ट्रेनिंग है, या अनइंटरप्टेड ट्रेनिंग है, उन्होंने साबित करने की कोशिश की है कि 5 साल 2 महीने से लेके 6 साल 2 महीने के दरमियान दरमियान ये होगा। आपको पता है इस तरह का चार्ट ना फ्रंट ऑफिस वाले बनाते हैं, बच्चों से कहते हैं बच्चों आ गए हो, 2 महीने में आपका PRC हो जाएगा, 1.5 साल में आपका कैफ हो जाएगा, सीफेप तो आप ट्रेनिंग के दौरान ही कर लोगे सारा का सारा, ट्रेनिंग 3.5 साल की है, तो चलो भाई 3.5 साल ये हो गए, 1.5 साल ये। लो जी, तो आईकैप ने आपको साबित कर दिया कि 5 साल 2 महीने में आपका CA कंप्लीट। दूसरे रूट में उन्हें लगता है कि आपको 6 महीने इजाफी लग जाएंगे, और तीसरे में लगता है कि मजीद 6 महीने इजाफी लग जाएंगे, उन्होंने उसी हिसाब से कैलकुलेशन की है, लेकिन ये सारी चीजें फिलहाल आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। फिलहाल आपके लिए रेलेवेंट ये है कि अब नई स्कीम में क्या पेपर कम्बिनेशन है, किस तरह से है, और क्या फर्म्स ये ऑप्शन देंगी या नहीं देंगी, और जब स्कीम का फाइनल वर्जन आएगा तो क्या ये तीनों मौजूद होंगी। भाई फीडबैक आपने देना है, मैंने देना है, फर्म्स ने भी तो देना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने भी तो देना है। वो कहेंगे यार क्या खिचड़ी पकाती है, आपने कंफ्यूज कर दिया है, ऑप्शन छोड़ो ये 3 खत्म करो एक ही ऑप्शन सही है, या 2 खत्म कर दो 1 खत्म कर दो, तो फाइनल वर्जन सामने क्या आता है
वो नहीं पता, ऐसा लग रहा है कि एक बेसिक फाइनल वर्जन 2 महीने बाद आ जाएगा, और विद प्रॉपर सिलेबस और वो सारी चीजें मुझे लग रहा है कि जनवरी के आसपास तक हमें बिल्कुल चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, अगर मैं बात करूं जैसे पीछे होता रहा है अगर मैं उसी को जहन में रखूं। हैंड्स ऑन कोर्सेज उनने कहा जो पीपी और एमएस ऑफिस है वो उसी तरह से होगा, बस इसमें एक एक्सटर्नल असेसमेंट आ जाएगी, आईकैप इसको आके खुद से देखेगा कि क्या ये बच्चों ने सही से तैयार किया, बच्चों ने सिर्फ पैसे देके सर्टिफिकेट तो नहीं पकड़ लिए। ये एक अच्छी बात है, मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि जो सही से कराते हैं उनको अच्छा लगेगा कि उनके बच्चे पेपर दें और आईकैप उनको असेस करे, उन्हें पास करे, तो वो जो जहाँ 2 नंबर सर्टिफिकेट मिलते हैं पैसे दे दो सर्टिफिकेट ले लो, वो डिस्करेज होगा कल्चर, क्योंकि ये स्किल है, ये बड़ी जरूरी है आपके लिए। सीफेप में वो कहते हैं कि एक आपका एथिक्स का ऑनलाइन वो होगा, उसमें आपने बस जाना होगा, आप अच्छे आदमी आप टेक लगाएंगे, आप बहुत अच्छे आदमी आप टेक लगाएंगे, आप बेमानी तो नहीं करते आप टेक लगाएंगे, वो एक ऑनलाइन मॉड्यूल होता है। और सीफेप में एक जो हैंड्स ऑन कोर्स है वो डेटा एनालिटिक्स और एआई का है, ऑडिट का पेपर देने से पहले उन्हें लगता है कि ये वाला हैंड्स ऑन कोर्स आप करेंगे तो ऑडिट का पेपर आपका अनलॉक होगा वरना अनलॉक नहीं होगा। तो ये बाकी उन्होंने सारी उसमें थर्ड पार्टी वाली बात कर दी, रिजल्ट जो है वो कैंडिडेट्स को होगा, उनसे क्रेडिट मिलेंगे वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें उन्होंने की हैं। फिर पोस्ट क्वालिफिकेशन स्पेशलाइजेशन, आप में से किसी का इंटरेस्ट नहीं है, एक बंदा सीए करता है वो कहता है सीए कर लिया अब आगे क्या, तो वो कहते हैं अगर आपने किसी भी खास फील्ड को चूज करना है तो उसमें हम आपको स्पेशलाइजेशन अलाउ करेंगे, वो आपसे आपको कुछ करिकुलम बताएंगे, आपसे पेपर लिया करेंगे और आपको वो एडिशनल सर्टिफिकेशन भी दे देंगे। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट कहेगा कि जी मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और स्पेशलिस्ट हूँ मैं इस टेक्नोलॉजी में, तो हो सकता है इसमें टैक्स का भी वो ऐड कर दें, लॉ का भी ऐड कर दें। तो अभी उनका प्लान ये है कि बहुत सारी पोस्ट क्वालिफिकेशन स्पेशलाइजेशन लेके आए, तो उन्होंने कहा जी अभी फिलहाल हमारे वो है और सब्जेक्ट टू चेंज बेस्ड ऑन इमर्जिंग ट्रेंड और इंडस्ट्री की डिमांड क्या है, तो इंडस्ट्री की डिमांड के हिसाब से वो नई नई सर्टिफिकेशंस लाते रहेंगे, लेकिन ये उनके लिए जिनका सीए पूरा हो जाए, तो आप लोग शायद गलत ऑडियंस है फिलहाल। स्टिल कंफ्यूजन अभी भी हैं, यानी कि जो नई स्कीम की हमने जो बातें की हैं इसमें क्या क्या हमें समझ आ रहा है, क्या क्या हमें समझ नहीं आ रहा, कौन सी ऐसी चीज है जो बिल्कुल क्लियर है और कौन सी ऐसी चीज है जो अभी जिसमें डाउट है, तो थोड़ा सा उसको मैप बना लेते हैं। आज की डेट में हमें नंबर ऑफ पेपर्स पता है, हमें तकरीबन सिलेबस ऑफ 5 पेपर्स पता है, हमें ग्रुप ए और ग्रुप बी वाली बात पता है, हमें कुछ ना कुछ और बातें पता है, हमें क्या नहीं पता, पेपर टू पेपर एग्जम्पशन हमें नहीं पता। आपका आज कौन सा पेपर आपने पढ़ा हुआ होगा तो आपको कौन कौन सा पेपर एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ये वाली बात अभी हमें आज की डेट में नहीं पता। 5 पेपर्स हमें फॉर श्योर पता है, बीलो सीलो दोनों पास हुए हुए होंगे तो वो पेपर एग्जेम्प्ट हो जाएगा, लेकिन हमें जो नहीं पता वो ये है कि जो डेटा वाला पेपर है खास तौर पे, ये जो डेटा सिस्टम्स वाला पेपर है इसका वो क्या करेंगे, किन लोगों को एग्जाम करेंगे किन को नहीं करेंगे, गुमान क्या है, गुमान ये है कि 4-5 पेपर या ग्रुप ए जिसका पास होगा मोस्ट प्रोबली वो उसको एग्जाम कर देंगे, लेकिन अगेन ये हमारी रफ एस्टिमेशन है, आईकैप ने भी इसमें नहीं बताया हुआ। दूसरा, ओल्ड स्टूडेंट्स को वो किस तरह से इसमें लेके आएंगे, उनकी अटेम्प्ट्स का क्या मामला होगा, उनके अटेम्प्ट्स को कैसे रिस्टोर करेंगे, उनके अटेम्प्ट्स किस तरह से बेहतर होंगी, ये हमें नहीं पता। हमें सिलेबस नहीं पता नई स्कीम वालों के, हमें फाइनल का ट्रांजिशनल टाइम नहीं पता, फाइनल का टाइम टू शिफ्ट कि किस वक्त फाइनल के लोग नई वाली चीज पे शिफ्ट होंगे, किस वक्त वो नई वाली चीज को सही से देख सकेंगे, ये चीज अभी हमें नहीं पता। हमें एक्सपेक्टेड फर्स्ट अटेम्प्ट का नहीं पता, मोटा मोटा अंदाजा ये है कि ऑटम 2025 बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि नई स्कीम के मुताबिक होगी, मार्च वाली ना होने के बराबर चांसेस हैं कि नई स्कीम के मुताबिक होगी, लेकिन फाइनल की पहली अटेम्प्ट कब होगी, पीआरसी कब से होगा अभी हमें नहीं पता, लेकिन हमारी रफ एस्टिमेशन ये है कि ऑटम 2025 नई स्कीम के मुताबिक कैफ का, और जून से आगे जितने भी पीआरसी आएंगे वो नई वाली स्कीम के मुताबिक, और जो दिसंबर 2025 का सीए फाइनल है वो नई वाली स्कीम के मुताबिक होगा, लेकिन वो कब कन्वर्जन होगी, जो ट्रेनीज है उन लोगों को जो एग्जिस्टिंग अपने कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कर चुके हुए हैं उन लोगों को वो कैसे लेके चलेंगे, उनके पास क्या ऑप्शंस होंगी, ये चीजें हमें नहीं पता। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें अभी भी डाउट्स हैं।
अब जब चीजें अनसर्टन है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सुकून करना चाहिए, हमें बहुत लॉन्ग प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप आज एक लॉन्ग प्लानिंग करके बैठ जाए और 2-3 महीने बाद इसका जो मॉडिफाइड वर्जन आए वो बड़ा अजीबोगरीब सा हो। तो अभी हमने क्या करना है, हम अपना जो एग्जिस्टिंग प्लान है, जो भी हमारा प्लान था पेपर्स का, उसको कंटिन्यू करें। सिर्फ दो अमेंडमेंट्स हैं कि सीएम में मस्ट उठाएं, और अगर सी लॉ या बी लॉ में से कोई एक पास हुआ हुआ है या दिया हुआ है तो फिर जो सेकंड वन है वो लाजमी उठाए, लेकिन अगर बोथ रिमेनिंग तो फिर कोई ना उठाए इनमें से। तो ये चीज अभी हमें समझ आ रही है, और आने वाली टाइम में कोशिश करें कि बहुत ज्यादा पेपर भी ना उठाएं लेकिन कम पेपर भी ना उठाएं। 3 पेपर हमेशा एक आइडियल पेपर साइज आप वो उठाएं। तो इस वक्त आप अपनी प्री एनरोलमेंट्स करवा रहे हैं, तो आप जहां जहां जो जो प्लान कर रहे थे आप उसके मुताबिक चलते रहें। बस इसमें सीएम में आपका प्राइम फोकस बन जाना चाहिए, और अगर 2 पेपर आपके, 2 में से 1 पेपर पास है तो वो 1 पेपर हो जाए। जो लोग फाइनल में जा रहे हैं, ट्रेनिंग्स वगैरह में जा रहे हैं और अभी उन्हें नहीं समझ आ रहा, जो अभी टू गो हैं, जिन्होंने अभी जाना है, वो एसपीएम से दूर रहें, और जो एग्जिस्टिंग हैं वो एसपीएम लाजमी करें, क्योंकि मुझे बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऐसी आ रही है कि एक एसपीएम पास होने वाले बच्चों को शायद वो पेपर एग्जाम्प्ट कर दें, या वो कहते हैं कि एसपीएम और बीएफडी जिसका पास है उसका वो केस स्टडी पेपर एग्जाम्प्ट है। अभी नहीं पता, लेकिन जब वो आएंगे तो वो बताएंगे। तो अब इसमें जब थिंग्स अनसर्टन है तो मेरी सजेशन ये है कि आपने अपने नॉर्मल तरीके से चलना है। नई स्कीम पे बहुत ज्यादा जोरों शोर से बात नहीं करनी। मैंने देखा था पेपर वाली वीक में लोग इतने पागल हुए हुए थे, हर वक्त नई स्कीम, हर तरफ नई स्कीम डिस्कशन। तो मैंने वहां पे पोस्ट डाली कि भाई हमने पिछली दफा भी इस तरह से सेशन किया था सैकड़ों हजारों स्टूडेंट्स के साथ, और अभी भी हम सेशन करेंगे, हम लोगों को अच्छी तरह से समझाएंगे कि नई स्कीम क्या है, किस तरह से है, कितनी बातें सर्टन है और कितनी बातें अनसर्टन है। नंबर ऑफ पेपर्स अब हमें बहुत ज्यादा क्लियर लग रहा है, ग्रुपिंग की कम्बिनेशन बहुत बेहतर लग रहा है, सिलेबस अभी हमें नहीं पता। द ओनली क्वेश्चन मार्क इन कैफ इज वो जो डेटा वाला पेपर है उसका सिलेबस क्या होता है, और उसमें किन को एग्जम्पशन देते हैं किन को एग्जम्पशन नहीं देते। और एक बहुत बड़ा सवाल, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट जो डिस्क्वालिफिकेशन के करीब थे, क्या उनको अटेम्प्ट मिली है या नहीं मिली। आप लोगों ने भी फीडबैक देना है, हम लोग भी फीडबैक देने की कोशिश करेंगे।